हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो कि न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था, IBPS PO की। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो प्री के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 6 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होंगे तो 8 नंबर में आएगा। आप इसको 2 मिनट या 2.5 मिनट में आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो वही आज हम यहाँ पे सीखेंगे, उसको करने का तरीका क्या है, कुछ शॉर्टकट्स हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ कॉर्नर में, आप वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है लिखा हुआ है। देर आर 3 क्वांटिटीज़ प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज़ एंड कंपेयर देम अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड्स एज फॉलोज़। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ आपके सामने दी जाएंगी और इन 3 क्वांटिटीज़ की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर उनको कंपेयर करके गिवन कोड के अनुसार आंसर करना है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर के लिए परसेंट है कोड, डॉलर है, लेस के लिए स्टार है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट है, लेस देन इक्वल टू, और एज है इक्वल के लिए, या फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सकती उसके लिए। तो ये कोड यहाँ पे दिए गए हैं। एक एग्जांपल भी आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी 1, ये इसकी वैल्यू ये है, क्वांटिटी 2 की वैल्यू ये है, क्वांटिटी 3 की वैल्यू ये है। तो आपको कैसे कंपेयर करना है, तो आपको इसको देखना है कि यहाँ पे अगर आप इस क्वांटिटी 1 की वैल्यू निकालिए तो 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का यहाँ पे क्यूब करिए प्लस 6 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा। तो 4 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 64, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है इनटू में 2 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इनटू कर लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 50 × 4 होता तो ये 200 हो जाता, तो 50 तो है नहीं, कितना हो जाएगा ये 196 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे तीसरी क्वांटिटी तो कितनी है 120 है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी 1, 2 एंड 3 की वैल्यू आ गई। तो आप जब इनको कंपैरिजन टेबल में या कंपैरिजन के लिए रखेंगे तो क्वांटिटी 1 और 2 के बीच में आप देखिए तो क्या, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो क्वांटिटी 2 बड़ी है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। 2 और 3 के बीच में कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो 2 वाली ही बड़ी है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ये इनके बीच की रिलेशनशिप आती है। जब रिलेशनशिप आपको पता चल गई तो ये जो साइंस हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन के, आप इनको जो यहाँ पे कोड गिवन है उसके अनुसार आपको बताना है। जैसे ये जो है इसके लिए यहाँ पे क्या जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर, और यहाँ पे क्या जाएगा इसके लिए, तो ये देखिए बना हुआ है परसेंट, तो ये आ गया परसेंट। ओके, ये आपको पता चल गया। तो देखिए कौन सा आंसर है, तो ये एट द रेट डॉलर नहीं, स्टार हैज़ नहीं, ये क्या है, डॉलर और परसेंट, सी ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तो ये एग्जांपल ही था जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है 6² + 7² तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। 6² का मतलब क्या हो जाएगा 36, और 7² का मतलब क्या हो जाएगा 49। ऐड कर लीजिए ये 50 और 35 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ओके, फिर हम क्वांटिटी 2 की बात करें, लिखा हुआ है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729। ओके, और 2 का क्यूब डिवाइड हो रहे हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो आप डिवाइड कर लीजिए 8 × 9 = 72 हो जाएगा। फिर 8 × 1 = 8 होगा, पॉइंट लगाएंगे एक बार फिर जाएगा कितना हो जाएगा 20 होगा, तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट गया, कितना गया 91.125। फिर हम थर्ड की बात करें क्वांटिटी की, तो वो क्या लिखा हुआ है 2 का क्यूब = 8 और 4 का क्यूब = 16, कितना हो जाएगा 16 × 8 = 128। तो वैल्यू सारी हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पे अब हम अगर देखें रिलेशनशिप क्या है 1 एंड 2 के बीच में, तो ये आपका 2 बड़ा है, 2 एंड 3 के बीच में तो ये आपका 3 बड़ा है, ये रिलेशनशिप आ रही है। ओके, और कोड आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे लेस देन के लिए कोड क्या है, तो यहाँ पे है डॉलर का, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आएगी, इसके बीच भी डॉलर लगेगा और यहाँ भी डॉलर लगेगा, तो कौन सा यहाँ पे देखिए, तो बी सी ये डी वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को करने में यहाँ पे क्वांटिटीज़ निकालना आसान काम हो सकता है, उसका रिलेशनशिप बनाना और सही आंसर टिक करना थोड़ा सा कठिन काम, क्या कन्फ्यूजिंग काम हो सकता है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आंसर निकालने के बाद आप इसको करने में बहुत जल्दी मत मचाइएगा, वरना सारा किया धरा सब बेकार हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसको हम जल्दी कैसे कर सकते थे। वैसे तो इतनी बड़ी यहाँ पे क्वांटिटी थी नहीं, आप इस पूरे को अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकेंड्स का समय लगेगा। ओके 40 मान लीजिए इसको निकालने में, इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं था। आप इसको बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते थे ओरली। अगर आप देखते हैं 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर था, ये आपका 100 से बड़ा होता नहीं, और वैसे भी देख के लग रहा था 80 के आसपास ही होगा। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी, आपको 9 का क्यूब तो पता ही है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो आपको पता है कि 72 है, तो मतलब 90 के आसपास ही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। और ये दोनों वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते थे ओरली ही, आपको 128 मिल जाता। तो आपको ये पता चलता ये 100 के पार है, ये 90 के आसपास है, 8 के आसपास है, इसका मतलब ये बड़ा होगा सबसे, फिर ये ऐसे आएगा, और आप आसानी से टिक कर सकते थे बिना कुछ कैलकुलेट किए, ओरली कर सकते थे। ओके तो इसमें आपको कॉपी पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, डरने की बात नहीं है। हम क्वांटिटी 1 को देखें तो लिखा है 240 a की पावर 6 b की पावर -3 / 24 a की पावर -3 b की पावर -9 3a। और यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है ए इज़ ग्रेटर देन 0 और बी इज़ लेस देन 0, तो ये आपके सामने कंडीशन है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें पहली क्वांटिटी को, कि सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 240 a की पावर 6 और b की पावर -3 / 24 a की पावर -3 और b की पावर -9, ये हो गया। अब यहाँ पे इंटू में 3 हो रहा है आपको, अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, सोचेंगे कि ये वाला जो इंटू में 3 है 24 के साथ नीचे आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। ओके सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काटेंगे 10 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने पावर वाले सारे रूल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 a की पावर 6 + 3, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको ये सब नहीं पता है, ए की पावर m इंटू में ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, बेस सेम होगा, पावर अगर यहाँ पे आपके अलग अलग हैं और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ए अगर ऊपर जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए मैं लिख ही देता हूँ पूरा का पूरा, ये 10 a की पावर 6 हो जाएगा, b की पावर -3 होगा, ये दोनों भी ऊपर जाएंगे तो ये आप ऐसे लिखेंगे a की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऊपर जाने पर, और b की पावर 9 हो जाएगा, तो ये दोनों पावर ऐड होंगी और ये दोनों पावर ऐड होंगी, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 a की पावर 9 हो जाएगा, 6 + 3, और ये -3 और +9 है, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से मिला। अब इंटू में अभी क्या करना है, 3a करना है, तो इसको आप कर लीजिए, 3a करेंगे कितना मिलेगा, तो 10 × 3 हो जाएगा 30, और a की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो a की पावर हो जाएगा 10, और b की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से वैल्यू प्राप्त होती है क्वांटिटी 1 के लिए। अब हम बात करें अगर क्वांटिटी 2 की, क्वांटिटी 2 देखिए इसी तरीके से है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आखिरी में डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 95 x की पावर 6 y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 x की पावर 3 y की पावर 7 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर, यहाँ पे 2 × x की पावर 2 और y की पावर 4। ओके अब 2 से कैंसिल आउट करिए, 8 टाइम्स कट हो जाएगा, यहाँ पे 95 × 8 आप कर सकते हैं, कोई मतलब बहुत कठिन काम नहीं, 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72 और 4 = 76, 760 आ गया। अब x की पावर 2 और y की पावर 4 ऊपर जाएंगे, दोनों प्लस में है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, x की पावर 7 आ जाएगा। इसी तरह 7 × 3 = 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, y की पावर आ जाएगा 6। ओके 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो ये आ गई क्वांटिटी 2। फिर हम आते हैं क्वांटिटी 3 पे, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये देखिए 80 अपॉन, ये केवल एक ही यहाँ पे यहाँ पे हो रहा है ऑपरेशन, 80 p की पावर 6 q की पावर 5 है और डिवाइडेड बाई है 15 p की पावर -5 और q² और r, ये है। तो आप इसको कट कर सकते हैं, कट किससे करेंगे, 5 से कर सकते हैं, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 16 हो जाएगा, 16/3 और तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, बाकी पावर्स जो हैं वो आप देख लीजिए क्या हो सकते हैं, 16/5 हो गया, ये -5 है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी की पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 × 5 = 11, ये यहाँ पे क्यू की पावर 5 है और यहाँ पे क्यू की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्यू की पावर 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, और आर यहाँ पे ऊपर तो आर है नहीं, तो आर ऊपर आएगा तो आर की पावर -1 हो जाएगा,
तो ये आ गया इसका आंसर। अब आप इसको कंपेयर कैसे करेंगे, मेन सवाल ये उठता है। तो कंपेयर करने के लिए आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी में टर्म है, यहाँ पे एक्स और वाई में, और यहाँ पे पी और क्यू में है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो क्या तीनों ही कंपेयर नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है, तीनों कंपेयर होंगे। आपको ये जो कंडीशंस लिखी हुई हैं इनको ध्यान में रखना है कि ये कंडीशंस किस लिए लिखी हैं, इम्पॉर्टेंट होंगी या काम में आने वाली होंगी तभी तो लिखी होंगी। तो इन कंडीशंस पे हम जाएंगे और यहाँ से हम क्या देखेंगे, अगर क्वांटिटी वन की हम बात करें, हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चलेगी। ये लिखा हुआ एक हमेशा जीरो से बड़ा है, तो ए यहाँ पे कुछ भी होगा पॉजिटिव नंबर ही होगा, 1 2 3 रखेंगे पॉजिटिव नंबर होगा। और बी कह रहे हैं कि वो जीरो से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी कोई निगेटिव नंबर होगा, तो निगेटिव नंबर होगा। और अगर इसकी पावर यहाँ पे इवन होगी तब तो वो पॉजिटिव ही काम करेगा, जैसे -2 है और इसकी पावर मैं 4 लिखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो देखिए आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 16, प्लस में 16 है क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, तो ये आपकी प्लस में वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, ये तो याद होगा, -2 × -2 अगर मैं करूँ तो 4 प्राप्त होगा कि नहीं? यहाँ पे माइनस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके प्लस हो जाएगा। इसी तरह जब भी पावर इवन होगी तो जो माइनस नंबर होता है वो प्लस में वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ये पावर आपकी क्या होती, ये ऑड होती, 3 होती, तो इसकी वैल्यू क्या आती, माइनस में 8 आती। ओके, तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो पावर्स हैं वो प्लस में हैं या फिर माइनस में, केवल नेगेटिव नंबर के लिए। तो इसमें बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी की पावर देखे तो ये इवन आ रहा है। इसका मतलब जो क्वांटिटी वन है, जो क्वांटिटी वन है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपकी जीरो से ज़्यादा ही होगी। कितनी होगी हमको पता नहीं, ए और बी की वैल्यू को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, पता नहीं, बस ये पता है कि जीरो से बड़ी ही होगी क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। इसी तरह हम क्वांटिटी टू की बात करें, यहाँ पे एक्स जो है आपका नेगेटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है, तो हम केवल नेगेटिव वाले नंबर पे ध्यान देंगे। तो एक्स की पावर देखिए क्या है, यहाँ पे यहाँ पे 7 है, मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, और एक्स क्या है, नेगेटिव का नंबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नेगेटिव नंबर ही प्राप्त होगा। मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे लेकिन एक कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, तो इस पूरे इक्वेशन को या फिर इस पूरे आंसर को नेगेटिव ही कर देगा। ये तो आपको बात पता होगी, जैसे मैं लिखूँ 2 × 2 × -3, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 × 2 = 4 और ये 1 - 3 है, इन दोनों में प्लस है तो ये प्लस ही हो जाएगा। 2 × 2 = 4 और -3 मतलब ये -12 आंसर मिलेगा। तो इसी तरह आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जो वैल्यू होगी क्वांटिटी टू की वैल्यू वो लेस देन जीरो हो जाएगी। कुछ भी आप रखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वो हमेशा लेस देन जीरो ही प्राप्त होगी। अब हम आते हैं क्वांटिटी थ्री पे। क्वांटिटी थ्री के लिए हमको यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे या फिर नेगेटिव करेंगे हम बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। लेकिन हम 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं कि 1 हमेशा 2 से बड़ा ही होगा। ओके, तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, 1 > 2, और 2 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी गिवन नहीं है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमको नहीं पता। तो हम इसको कहेंगे नॉट इक्वल टू, या फिर इस रिलेशनशिप नॉट इस्टेब्लिश्ड, ये क्या होगा, 3। ओके, मतलब 1 और 2 के बीच में रिलेशनशिप है, 2 और 3 के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो साइन है इसके लिए क्या साइन आता है, तो इसके लिए आता है परसेंट का, और यहाँ पे इक्वल या फिर नो रिलेशन के लिए साइन क्या आता है, हैश का। तो परसेंट हैश देखिए कहाँ पे है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, यही आपका सही आंसर है। अब ये तो हो गया इसको करने का पूरा तरीका, फुल फॉर्म से हम कैसे करेंगे। ओके, लेकिन अब इसको थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर आप लगाएं या फिर स्मार्ट तरीका लगाएं कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर देख रहे हैं इस तरह की कंडीशंस जब गिवन है और इस तरह का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि इनके नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर आपका कुछ भी यहाँ पे डिवाइड होकर के उससे कोई लेना देना नहीं है, अनलेस वो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे ना लिखाओ, मतलब यहाँ पे -3 या -24 ऐसे ना लिखाओ, तब तक उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना केवल किससे है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं मतलब जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं से लेना देना है, और आपको उसमें भी केवल किससे मतलब होगा, जो नेगेटिव यहाँ पे अल्फाबेट होगा या नेगेटिव यहाँ पे वेरिएबल होगा केवल उससे। जैसे यहाँ पे केवल बी यहाँ पे नेगेटिव है तो केवल बी से आपको मतलब होगा। तो हम क्या करेंगे कि केवल हम बी पे कंसंट्रेट करेंगे, हम बी की वैल्यूज़ को केवल देखेंगे कि उसकी पावर आ कितनी रही है। जैसे यहाँ पे -3 है और ये -9 है, जब डिवाइड करेंगे तो ये बी की पावर 6 रिटर्न करेगा,
क्वांटिटी वन, तो यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि जो क्वांटिटी वन होगी वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी, ओके। बाकी तो हम कुछ और निकाल नहीं सकते, हमेशा जीरो से बड़ी होगी यही निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया, कितने समय इसको निकालने में लगेगा, केवल अगर आप ऐसे कंसंट्रेट करेंगे केवल अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पे, एम जहाँ पे है वही फोकस करेंगे, तो हार्डली 5 to 6 सेकेंड लगेगा इसको करने में, ओके। इसी तरह अगर क्वांटिटी टू की बात करें तो इसमें एक्स आपका निगेटिव है, तो हम केवल एक्स पे कंसंट्रेट करें। एक्स यहाँ पे है, ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6 × 3 9 हो गया, ये डिवाइड हो रहा है, कितना हो गया x^7। तो यहाँ से हमको मिल गया x^7, और ये अगर आपका नेगेटिव नंबर है और पावर इसकी ऑड है तो ये इसका मतलब हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जो क्वांटिटी टू हो गई वो हमेशा जीरो से नीचे हो गई, ओके। नंबर्स आपके तभी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन में जब उनमें नेगेटिव का साइन होगा, जैसे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव होता, -2 ही नेगेटिव होता तो इसका आंसर माइनस में 760 आता, तब ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती क्योंकि x^7 की वजह से वैल्यू नेगेटिव आती, लेकिन एक नेगेटिव पहले भी है, दोनों मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाते तब वो आपका प्ले में आता। लेकिन जब यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आपको केवल वेरिएबल जो नेगेटिव है उसकी पावर पे कंसंट्रेट करना है, और तीसरे वाले को आते आपको पता है इसमें कुछ गिवन ही नहीं है तो इसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो आप केवल 1 और 2 को कंपेयर करते और इसको कंपेयर ही नहीं करते और आपका आंसर आ जाता, मेरे ख्याल से 30 सेकंड में आपको आंसर मिल जाता। तो ये स्मार्ट तरीका है, अगर आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तब तो आप आंसर लाएंगे, आंसर आप लाएंगे अपने रेगुलर तरीके से भी, लेकिन उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा और समय की कमी ही आपको सिलेक्शन में आपके बाधा बनती है। तो ये आपको याद रखना है या ध्यान रखना है बस, कि आप कैसे क्वेश्चन को करने के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं आपसे कोई आंसर नहीं पूछा है, केवल आपसे कंपैरिजन पूछा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है WXYZ, ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो से बड़े हैं, मतलब सारे के सारे नंबर आपके पॉजिटिव हैं यहाँ पे। तो पिछले क्वेश्चन में जो निगेटिव वाले नंबर वाला केस था और पॉजिटिव वाला था, वैसे तो हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे। क्वांटिटीज़ देखिए आपको यहाँ पे दो वेरिएबल में यहाँ पे लिखी हुई हैं हर जगह पे, और आपका इक्वेशन तो एक ही है, और आपको ये पता होगा कि अगर वेरिएबल दो हैं तो दो आपको इक्वेशन भी चाहिए वैल्यू प्राप्त करने के लिए दोनों की। लेकिन जब यहाँ पे वेरिएबल आपके दो हैं और इक्वेशन एक है, इसका मतलब जो आंसर मिलेगा वो दो वेरिएबल के टर्म में ही मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्स और वाई की, तो या तो आपको एक्स इक्वल टू समथिंग वाई मिलेगा या तो वाई इक्वल टू समथिंग एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कैसे करेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1, 2, 3 देखिए सब में आपके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते और जो भी आंसर यहाँ पे हो उसको टिक कर दीजिए सॉल्व किए बिना, लेकिन वो होगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करने के लिए यहाँ पे क्या मौजूद है, एक वेरिएबल जो कि तीनों में कॉमन है, कौन सा, वाई। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है, मतलब अगर यहाँ पे आप वैल्यू निकालिए तो एक्स इक्वल टू समथिंग वाई आएगा, यहाँ पे जेड इक्वल टू समथिंग वाई आएगा और यहाँ पे वाई डब्ल्यू इक्वल टू समथिंग वाई आएगा। तो वाई की वैल्यू तीनों में कॉमन आती है, तो आप वाई की वैल्यू रख के तीनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, टफ तो नहीं कहूँगा, लेंदी क्वेश्चन आपका हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको लगाना पड़ेगा, टाइम उसमें लगेगा। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको करिए ही अगर समय कम है और आपको कोई और क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास समय है, बाकी जो आपने समय बचाया हुआ है अगले सारे क्वेश्चन से, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, केवल लंबी है, और जब मैं आपको समझा रहा हूँ तब ज़्यादा लंबा होगा, आप खुद से करेंगे तो आपको लंबा नहीं लगेगा उतना जितना यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कंपेयर कैसे करना है, क्या वैल्यूज़ आपको रखनी है, ये आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तभी आपको समझ में आ पाएगा, एग्ज़ाम में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है इतना दिमाग ना चले। इसीलिए घर पे जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करें तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन के क्वेश्चंस करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में जा करके आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो चलिए देखते हैं, क्वांटिटी वन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए x + y² लिखा है, माइनस में x - y² लिखा है, अपॉन में 16xy x - y² = 1। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को देखिए तो ये a² - b² के फॉर्मूले को फिट कर रहे हैं क्या। अगर मैं इसको a मान लूँ पूरे को और इसको b मान लूँ, तो बिल्कुल a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो वही हम यहाँ पर रखते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, x + y² का फॉर्मूला आता हो तो इसको ओपन कर लीजिए पूरा, इसको ओपन कर लीजिए, देख लीजिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको हम करें तो ये क्या हो जाएगा, a + b आएगा, तो x + y हो जाएगा a, प्लस में x - y हो जाएगा b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + y हो गया a, माइनस में b होगा तो माइनस होने की वजह से -x + y ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में,
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 16xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे देखिए 2x हो गया, x प्लस एक्स 2x, यहाँ पे 2y हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4xy, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इस तरफ तो हो जाएगा 4xy। ओके, ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 16xy और यहाँ पे हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए 4xy है, 4 चौके 16xy, से xy कट गया, बचेगा कितना 4। तो ये आपका इक्वल टू 1 के है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। और आप यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, क्या करेंगे 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब आप क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू आ जाएगी। 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब आपको यहाँ से x के टर्म में वैल्यू क्या पता चल जाएगी, x इज इक्वल टू 1/2 प्लस वाई, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, x की वैल्यू y के टर्म में 1/2 प्लस वाई। इसी तरह आपको क्वांटिटी 2 की वैल्यू भी निकाल लेनी है। अब क्वांटिटी 2 में क्या है, यहाँ पे क्यूब वाली बात हो रही है, तो वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो आप उसको भी लगा सकते हैं अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप ए प्लस बी का होल क्यूब तो आता ही होगा, उसको ही आप लगा लीजिए। चलिए मैं वही लगा लेता हूँ इसमें, तो इसमें जेड प्लस वाई का होल क्यूब करूँगा मैं, तो क्या प्राप्त होगा मुझे, तो ये प्राप्त होगा जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z स्क्वायर वाई प्लस 3zy स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे क्या है z माइनस वाई का होल क्यूब है, तो माइनस वाला थोड़ा ध्यान से करिएगा, z क्यूब माइनस में y क्यूब फिर माइनस में 3z स्क्वायर वाई प्लस में 3zy स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी होती है डिवाइडेड बाई पूरे को आप डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए, ब्रैकेट को हटा सकते हैं, यहीं पे मैं हटा लेता हूँ। अब जो भी माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, तो जैसे जेड था प्लस में तो माइनस हो गया, वाई प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये आपका माइनस में हो गया। अब यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जगह कम होने की वजह से सब कर रहा हूँ, जेड क्यूब से जेड क्यूब आपका कट जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए आपका वाई क्यूब और वाई क्यूब आपका ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2y क्यूब। ओके, प्लस यहाँ पे आएगा, माइनस आएगा, देखते हैं, फिर यहाँ पे 3z स्क्वायर वाई यहाँ पे है, यहाँ भी प्लस में 3z स्क्वायर वाई है, तो ऐड कर देंगे 3 3 6z स्क्वायर वाई हो गया, ये 3z y स्क्वायर है प्लस में और ये माइनस में है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऊपर इतना ही बचा, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है इसको आप ओपन करेंगे होल स्क्वायर करके, नहीं, अब आप क्या करेंगे कि जब 2y को आप कॉमन निकालेंगे तो आप देखेंगे कुछ नीचे वाली वैल्यू ही आपको प्राप्त हो रही है, कैसे, देखिए यहाँ पे 2y मैं कॉमन अगर निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा। ओके, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3z यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, वाई आपका बाहर निकल गया है, अपॉन में क्या है देखिए, तो ये है वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है, 4y है। देखिए 2y इसको कट कर देगा, सीधा सीधा 2 कट जाएगा और ये पूरा कट करेगा एक बार में, तो बचेगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ये आपको वैल्यू प्राप्त हो गई, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 2। तो ये जब 2 हो गया तो आपको y के टर्म में वैल्यू निकालनी है, तो y को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो y क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करूं मैं, 3 को दूसरी तरफ ले जाऊं और जेड जो यहाँ पे स्क्वायर है अंडर रूट में कर दूँ, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 3, ये आपको प्राप्त हो गई जेड की वैल्यू। ओके, तो जब जेड की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में है। ओके, यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब अगर मैं क्वांटिटी 3 की बात करूँ, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/3 है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्यूब रूट में वैल्यू आपको गिवन है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे 3/2 है, इसके इक्वल में 3/2 है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, दोनों को इक्वल में करके लिख दीजिए,
तो क्वांटिटी थर्ड को मैं यहीं पे करता हूँ, देखता हूँ हो सकता है आ जाए। तो टू का मल्टीप्लाई ऊपर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू, और इसको मैं जो 1/3 क्यूब रूट की तरह मैं लिख दूँ तो थोड़ा आसान रहेगा इसको। ओके, यहाँ पे 3 लिख दूंगा, डब्ल्यू प्लस वाई, ओके, प्लस में 2, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट डब्ल्यू माइनस वाई, ओके, इक्वल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा नीचे तो ये क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट डब्ल्यू प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस में 3, और ये आपका आ जाएगा क्यूब रूट डब्ल्यू माइनस वाई। अब देखिए डब्ल्यू प्लस वाई और डब्ल्यू माइनस वाई क्यूब रूट में है, जो उनको आप एक तरफ कर सकते हैं। जैसे ये जो वैल्यू डब्ल्यू माइनस वाई की, इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये आपकी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5, और ये क्यूब रूट में डब्ल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये 2 जो डब्ल्यू प्लस वाई वाली वैल्यू है इसको मैं दूसरी तरफ लाऊं तो 3 में से 2 घट जाएगा और बचेगा कितना, क्यूब रूट में डब्ल्यू प्लस वाई, एक ही तो बचेगा। ओके, अब यहाँ से आप वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ का आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, तो ये क्यूब रूट आपका हट जाएगा, दोनों तरफ का आपको करना होगा क्यूब। ओके, तो क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और डब्ल्यू माइनस वाई है, ओके, डब्ल्यू माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, और इधर हो जाएगा केवल डब्ल्यू प्लस वाई। ओके, अब आप क्या करिए, डब्ल्यू और वाई को आप एक मतलब अलग अलग कर लीजिए, तो 125 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 डब्ल्यू हो जाएगा, नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 125 हो जाएगा डब्ल्यू माइनस में 125 वाई, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस वाई है। डब्ल्यू को अगर मैं इधर ले करके आऊँगा तो ये हो जाएगा 124 डब्ल्यू हो जाएगा, 124 डब्ल्यू, और यहाँ पे 125 को दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 126 वाई हो जाएगा। तो डब्ल्यू के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 126 बटे में 124, और ये आ जाएगा वाई। वाई के टर्म में ही आपको यहाँ भी वैल्यू मिल गई। अब आपको कंपेयर करना है दोनों क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटीज़ को, कि यह इसका सही आंसर क्या होगा। तो एक बात आपको ये समझ में आती है कि वाई की वैल्यू आप रख सकते हैं हर एक जगह, तीनों जगह एक ही वैल्यू अगर मैं वाई की रखूँ, जैसे वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5, ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5, पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर होगा ये 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 में से घट जाएगा, अंडर रूट में 1/3 बचेगा। अब 1/3 अपने आप में ही अगर केवल इसी को देखिए तो ये हो जाएगा 0.33, और उसका भी अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी उससे भी छोटी आएगी। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी 0.00 आपकी आएगी। ओके, तो ये आपका मतलब अगर आप यहाँ से देखिए दोनों में कंपेयर करिए तो क्वांटिटी 1 आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी 2 से, इतनी बात समझ में आई। फिर अगर हम y की वैल्यू को देखें तो 126 बटे 124 है, इसका मतलब क्या होगा, 124 एक बार तो इसको काटेगा ही काटेगा, पॉइंट लगाएंगे आप, फिर आप समथिंग यहाँ पे मतलब एक बार अगर ये काटेगा दो बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर आपका यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, फिर आप जीरो बढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर आपकी वैल्यू ये कटने लायक बचेगी, फिर से आप एक बार ले जाएंगे तो 1.1 समथिंग आएगा। और यहाँ पे अगर वाई की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू तीसरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1.01 या समथिंग ऐसे आपको प्राप्त होगी। तो आपको ये पता चल रहा है कि जो तीसरी क्वांटिटी है ये दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है। ओके, सीधी सी बात है, लेकिन पहले वाले से तो आपकी छोटी ही होगी, लेकिन आपको कंपैरिजन तो दूसरे से करना है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये आपका आ जाएगा इस तरह का, यहाँ पे साइन आ जाएगा ग्रेटर है थर्ड वाली क्वांटिटी। इस तरीके से आपको कंपेयर करना होगा, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर आप 2 रख देते तो भी आपको ऐसे ही मिलता, ये 2.5 होता, 2 रखते तो ये 4 हो जाता, ये वैल्यू नेगेटिव में होती, अभी तक तो 0 समथिंग थी और ये छोटी हो जाती तो उस केस में भी 1 बड़ा ही होता। फिर यहाँ पे y रखते अगर आप 2 तो ये 1.something था, तब 2.something हो जाता, तब भी आपकी ये दूसरी क्वांटिटी से बड़ी ही रहती। तो मतलब कुछ भी रखते आप सेम ही आपको यहाँ पे रिलेशनशिप मिलती, आंसर अलग अलग मिलते लेकिन रिलेशनशिप सेम मिलती। तो ये आप किस इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम अभी कोड अगर देखा हो आपने तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं परसेंट का, और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, डॉलर का। तो परसेंट और डॉलर कहाँ पे है, तो ये आपका आ जाता है ई वाले में। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, परसेंट डॉलर। ओके, तो अगर हमने देखा 3 क्वेश्चन थे तो 3 में 2 क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो गए थे, मतलब दोनों क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो मेरे ख्याल से आप 40 सेकंड में दोनों क्वेश्चन, पहले दोनों सॉल्व कर सकते हैं। जो समय लगा वो तीसरे क्वेश्चन में लगा, मतलब अगर आप देखिए 2 मिनट का आपके पास समय है तो 40 से 50 सेकंड 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में गया, और उसके बाद का जो 1 मिनट है वो आपका तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में गया। तो 1 मिनट या 1 मिनट को सेकंड या 2 मिनट के समय में आप 3 क्वेश्चन को 6 नंबर के
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। ये क्वेश्चन लेंदी है, टफ नहीं है। क्या है? लेंदी है। लेंदी और टफ होने में डिफरेंस है। लेंदी होने का मतलब आपको पता है क्वेश्चन कैसे करना है, बस उसके स्टेप आपको लिखने ही पड़ेंगे वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वो होता है लेंदी क्वेश्चन। टफ का मतलब होता है आप समझ ही नहीं पा रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे आपको निकालना है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो होता है टफ क्वेश्चन। तो ये टफ नहीं बल्कि लेंदी क्वेश्चन में आता है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि वैल्यू क्या आएगी। फिर से यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको क्वांटिटीज़ 1, 2, 3 दी गई, तीसरे क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप बताइए। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताइए कि इसका जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा। करिएगा और देखिएगा कितना समय आपको लगता है इसको सॉल्व करने में, और कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेंस लेवल का ये क्वेश्चन था, थोड़े से टफ हो सकते हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मेंस अगर आपको निकालना है तो इस लेवल के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी ही होगी, वरना अगर आप प्री निकाल लेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं, उसके तो नंबर भी नहीं जोड़ते हैं। तो बने रहेंगे अगर इसी तरह मेरे साथ, तो आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, एग्ज़ाम आप अच्छे से क्रैक कर सकें। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।